131 वैरायटी के डोसास, ये यूनिक है। ओए रुक, देख इतने सारे वैरायटीज के डोसास। चलिए ट्राई करें। तुझे लगता है इनके पास इतनी वैरायटीज के डोसास होंगे? ट्राई करेंगे तभी तो पता चलेगा यार। चल ट्राई करते हैं फिर। ओह माय गॉड, इतने सारे डोसास यार, हम तो कंफ्यूज ही हो गए कौन सा ऑर्डर करें। फिर हमने भैया से पूछा, भैया यहाँ का स्पेशल डोसा कौन सा है, तो उन्होंने हमें दो डोसे सजेस्ट करे थे। एक था गोलमाल डोसा और दूसरा था स्पेशल ग्रीन डोसा। फाइनली हमारे यहाँ दोनों डोसे तैयार हो चुके हैं। लुक एट दिस, कितने सेटिस्फाइंग लग रहा है यार, इतना सुंदर लग रहा है ये। ये है हमारा गोलमाल डोसा, जिसकी प्लेटिंग तो भैया ने बहुत खतरनाक की है। डोसा कम पिज्जा ज्यादा लग रहा है। एंड दिस इज आवर स्पेशल गिनी डोसा, जिसमें भैया ने फिलर्स बना के दिए हमें चार। ओए होए होए यार, लुक एट दिस, कितना अच्छा लग रहा है। डोसा तो किसी एंगल से नहीं लग रहा, पिज्जा ही लग रहा है बिल्कुल। फर्स्ट बाइट में इसका टेस्ट बिल्कुल पिज्जा जैसा था, एकदम बहुत सारे फ्लेवर्स मुंह में ब्लास्ट हुए, ऐसा टेस्ट था। बहुत टेस्टी लगा मुझे तो ये। मैंने ट्राई किया स्पेशल गिनी डोसा, जिसमें बहुत सारे फ्लेवर्स का टेस्ट आ रहा था, लाइक पनीर, चीज़, टमाटो, कैप्सिकम। टेस्ट तो उसका बहुत यूनिक था, बट मुझे गोलमाल डोसा ज़्यादा अच्छा लगा। यार कुछ भी बोलो, इनका टेस्ट हमारे रेगुलर मसाला डोसा से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, तो हमें खाने में बहुत मज़ा आया और हमने बहुत एंजॉय किया उस डोसा को। यार लेकिन कुछ भी बोलो, कंफर्ट फूड तो हमारा मसाला डोसा ही है। हमने हमारे फेवरेट प्लेस पे जाके मसाला डोसा खाया, क्योंकि हमें उससे सेटिस्फेक्शन नहीं आई यार, जो सेटिस्फेक्शन मसाला डोसा खाने से आती है ना। हाय कितना मज़ा आता है खाने में। यार सुकून मिल जाता है मसाला डोसा खा के। फॉलो अस फॉर मोर सच वीडियोज।